राजधानी में मानव मिलन संस्थान की ओर से रविवार को त्रिवेणी नगर स्थित व्यास कुटीर में दूसरा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के कार्यकर्ता और समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष प्रमोद चौरड़िया ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्तदान शिविर में करीबन 150 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए संस्था ने समाज के लोगों से रक्तदान करने की अपील करी है। इस मौके पर संस्था के सचिव संगीता लोढ़ा ने कहा कि शिविर में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके रक्तदान करते हुए अपना योगदान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, इस कारण महिलाएं रक्तदान करने आ रही हैं। हमारे द्वारा किया गया रक्तदान किसी जरूरतमंद की जान बचा सकता है। संस्था द्वारा एकत्रित किए गए रक्त की गरीब और जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जाएगा। रक्तदान कार्यक्रम का शुभारंभ महाधिवक्ता नरपत मल लोढ़ा द्वारा किया गया, जिन्होंने युवाओं से ज्यादा रक्तदान करने की अपील करी। जनिन साहब, आज मानव मिलन संस्थान की तरफ से ये ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा यूनिट का टारगेट है 150 टारगेट यूनिट का है, जो हम अच्छी तरह अचीव कर लेंगे। मानव मिलन संस्थान धर्म संस्थान है जो कि समाज सेवा के साथ में जुड़ी हुई है। इसकी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, हम लोग बहुत सारे धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। पिछली बार भी हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 100 यूनिट हम लोगों ने डोनेट करवाए थे। मिलन संस्थापक गुरुदेव को प्रणाम। उन्होंने महिलाओं में और पुरुष दोनों ही हमारी मानव मिलन टीम में हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं ने भी पूरा योगदान दिया है और करीबन ब्लड सभी को देना चाहिए जिनका हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है, और एक बार कोई भी एक बार ब्लड डोनेट करता है उससे हम 3 जिंदगियों को बचा सकते हैं।